दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। क्या पवन पुत्र भाईजान की टाइटल भी हो सकता है चेंज? क्यों एसएस राजामौली ने नहीं की थी बजरंगी भाईजान डायरेक्ट? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म पवन पुत्र भाईजान की। फिल्म पवन पुत्र भाईजान बहुत जल्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। हालांकि इस समय इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। फिल्म के राइटर वी विजेंद्र प्रसाद हैं, वो एसएस राजमौली के पिता हैं, जी हाँ दोस्तों, और वही इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बजरंगी भाईजान की भी स्क्रिप्ट लिखी थी और वो स्क्रिप्ट कबीर खान को बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की। हालांकि कबीर खान एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिल्म के हिट होने के बाद उसके सीक्वल को कभी डायरेक्ट नहीं करते। आपको बता दें कबीर खान और सलमान खान ने साथ में फिल्म करी थी बजरंगी भाईजान। इन दोनों को इस कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई थी साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर से। लेकिन एक था टाइगर के हिट होने के बाद उसके जो दो सीक्वल्स आए हैं, एक सीक्वल आ चुका है, एक सीक्वल अभी भी बन रहा है। ये दोनों ही सीक्वल कबीर खान ने डायरेक्ट नहीं किए थे। आपको बता दें कि कबीर खान बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डायरेक्टर है जिनको अपनी फिल्म में परफेक्ट शॉट्स बहुत पसंद है, इसीलिए बजरंगी भाईजान को भी डायरेक्ट करते समय कबीर खान ने इस चीजों का ध्यान रखा था कि कैसे वो फिल्म को एक बहुत ही अमेजिंग लुक दे सके। हालांकि एक इंटरव्यू में कबीर खान ने ये कहा कि सलमान खान ने अनाउंसमेंट तो कर दी है फिल्म की पवन पुत्र भाईजान, लेकिन सलमान खान अपनी एक्साइटमेंट में बोलते हैं। सलमान खान सोचते नहीं है बोलने से पहले, इसीलिए उन्होंने किसी फॉर्मल तरीके से फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की और इसी वजह से पवन पुत्र भाईजान ये टाइटल भी हो सकता है चेंज, क्योंकि ये टाइटल इस समय सलमान खान ने खुद ही अपने दिमाग में सोच रखा है। जैसे उनकी एक फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल चेंज होके भाईजान रख दिया गया था, वैसे ही इस फिल्म का टाइटल भी हो सकता है चेंज, जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एसएस राजमौली के पिता ने जब स्क्रिप्ट लिखी तो फिर बजरंगी भाईजान को क्यों नहीं किया था एसएस राजमौली ने डायरेक्ट? आपको बताते हैं कि जब ये स्क्रिप्ट लिखी गई और राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने बेटे को ये स्क्रिप्ट सुनाई तो उनके बेटे की आंखों से आंसू ही आ गए। वो चाहते थे, एसएस राजमौली चाहते थे कि इस फिल्म को वही डायरेक्ट करें, लेकिन उस टाइम पे वो काफी ज्यादा बिजी थे बाहुबली 1 के साथ। बाहुबली 1 का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था और वो इस चक्कर में टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे, इसी वजह से एसएस राजमौली ने फिल्म शूट नहीं करी थी, फिल्म डायरेक्ट नहीं करी थी। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।